अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv। मजबूर व असहाय मजदूरों को बसें मिलें अथवा न मिलें, लेकिन राजनीति करने वालों को मुद्दा जरूर मिल गया है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा 1000 बसें मजदूरों को उपलब्ध कराने की पेशकश योगी सरकार के समक्ष की थी। शासन ने इन्हें मंजूरी दी, लेकिन सभी बसों को लखनऊ सुबह 9 बजे तक पहुंचने का फरमान भी सुना दिया। इसे अव्यवहारिक बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि मजदूर तो गाजियाबाद व नोएडा में है, तो संशोधन किया गया कि दोनों जिलों के DM को ये बसें उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि वे आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। अब कांग्रेस मुख्यालय ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि AICC सचिव रोहित चौधरी आगरा बसें लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत यह कहते हुए नहीं दी जा रही है कि उन्हें ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये प्रशासन शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, BJP सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पर पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। बहरहाल, खाली बसें इधर उधर भटक रही हैं और मजदूर दूसरी तरफ बराबर यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि जो लिस्ट कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई है उनमें अनेक नंबर बाइक अथवा कारों के भी हैं। बहरहाल, राजनीतिक खींचतान जारी है। देखते रहिए आप FirstBite.tv। नमस्कार।